नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश और दुनिया में नवरात्र में देवी मंदिरों में लोगों का तांता उमड़ा पड़ा है। इस नवरात्र में आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 10 प्राचीन प्रसिद्ध और शानदार खूबसूरत देवी मंदिरों का। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दर्शन कराते हैं आपको छत्तीसगढ़ के 10 सबसे खूबसूरत शानदार और प्राचीन देवी मंदिरों का, जिसका दर्शन करना और एक बार वहाँ दर्शन करने जाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों पहले नंबर में है छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत जिलों में से एक गरियाबंद के वादियों में पहाड़ों में बसा माँ जतमई और घटरानी का शानदार मंदिर। यह दोनों मंदिर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का झरना सबसे अधिक बार देखे जाने वाले टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। मंदिर पूरे साल खुला रहता है। हालांकि अगर आप झरने की सुंदरता का भी आनंद लेना चाहते हैं तो आपको ठंड और बरसात में जरूर जाना चाहिए। यहाँ जतमई और घटरानी का माता का मंदिर झरना के जस्ट निकट में है, जिससे कि इस जगह की खूबसूरती और माता का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है, जहाँ दूर दूर से लोग हर साल लाखों के तादाद में पहुँचते हैं। दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन देवी मंदिर, जिसका नाम है दोस्तों चंद्रहासिनी माता मंदिर। माँ चंद्रहासिनी को समर्पित यह मंदिर महानदी के तट पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सक्ती जिला में यह मंदिर स्थित है। चंद्रहासिनी देवी मंदिर राज्य या रायगढ़ के आसपास के स्थानों के लिए सबसे शानदार जगहों में से एक है। ऐसे तो चंद्रहासिनी माता के मंदिर में सालों भर भक्तों का भीड़ लगा रहता है, पर नवरात्र में यहाँ की कहना ही क्या है, जहाँ लोग भारी तादाद में दर्शन करने जाते हैं। तीसरे नंबर में दोस्तों छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित माँ बिलाई माता का मंदिर। यह छत्तीसगढ़ के शक्ति पीठों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे माँ विंध्यवासिनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह मंदिर धमतरी के शहर के बीचों बीच स्थित है। इसे माँ नगर देवी के रूप में भी लोग जाने जाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी बहुत ही सुंदर और रोचक इतिहास है, जिसके बारे में हमने चैनल में ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आई बटन में, वहां जाकर के पूरे इस मंदिर के इतिहास को जान सकते हैं। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छत्तीसगढ़ के चौथे देवी मंदिर के बारे में। चौथे नंबर में दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित बहुत ही प्राचीन और अत्यंत भव्य कंकाली माता का मंदिर। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर लगभग 1400 वर्ष प्राचीन है, जिसे नागा साधुओं ने बनवाया था। इस मंदिर के निकट एक तालाब है जिसमें का पानी कभी नहीं सूखता है, और इस तालाब के बीचों बीच महादेव जी का मंदिर है, जिसे आज तक लोग अच्छे से देख नहीं पाए हैं, क्योंकि यह मंदिर हमेशा तालाब के जल से भरा ही रहता है। पांचवें नंबर में चंडी माता मंदिर। चंडी माता मंदिर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा के खोचापाली के पहाड़ियों में स्थित है। यह माता का मंदिर स्वयंभू माँ चंडी को समर्पित है, जिनकी ऊंचाई लगातार हर वर्ष बढ़ती जा रही है। इस मंदिर की खास बात एक ये भी है दोस्तों कि यहाँ हर दिन शाम को भजन और आरती और पूजन के समय भालुओं का दल पहुंच पड़ता है, जो आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। छठे नंबर में पताल भैरवी मंदिर, जिसे बर्फानी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक खूबसूरत मंदिर है जो राजनांदगांव के जी रोड पर स्थित है। आप मंदिर के सिर पर एक विशाल शिवलिंग देख सकते हैं। शिवलिंग के सामने एक विशाल नंदी की प्रतिमा भी है। सातवें नंबर में दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित बंजारी माता मंदिर का अद्भुत दृश्य। बंजारी माता मंदिर बहुत ही प्राचीन और अत्यंत शक्तिपीठों में से एक है। यह शानदार खूबसूरत और अति प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत और सबसे प्रसिद्ध देवी मंदिरों में से एक है, जहां हजारों के तादाद में नवरात्र में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। आठवें नंबर में है रतनपुर का या कह बिलासपुर का महामाया मंदिर। महामाया मंदिर 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है। दोहरी देवी सरस्वती और महालक्ष्मी को समर्पित इस मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है। बिलासपुर अंबिकापुर राज्य राजमार्ग में किनारे पर स्थित यह शानदार मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, जहां देश भर से श्रद्धालु हर वर्ष पहुंचते हैं। नौवे नंबर में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित माँ दंतेश्वरी का मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर देश भर के 52 शक्ति मंदिरों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। देवी दंतेश्वरी को समर्पित यह मंदिर 14वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण के चालुक्य राजाओं द्वारा बनवाया गया था।
जगदलपुर तहसील से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर दंतेवाड़ा शहर में स्थित है। माता दंतेश्वरी का मंदिर बस्तर राज्य की कुल देवी भी है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों अंत में 10वें नंबर में है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध, प्राचीन और शानदार खूबसूरत देवी मंदिरों में से एक माँ बम्लेश्वरी देवी का मंदिर। माँ बम्लेश्वरी देवी का मंदिर डोंगरगढ़ में स्थित है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में 1600 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा दर्शनार्थी जाने वाले मंदिरों में से एक है, जहां छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर से श्रद्धालु हर वर्ष पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये थे छत्तीसगढ़ के 10 सबसे खूबसूरत, शानदार, प्राचीन और प्रसिद्ध देवी मंदिर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारे देवी मंदिर हैं, जिनका दर्शन करने आपको जरूर जाना चाहिए, जिसे हम अगली वीडियो में लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के 10 माताओं को समर्पित यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय माता दी।